Surat in the Indian state of Gujarat has one of the largest diamond industries in the world. Meanwhile, India's diamond hub, Surat, which is situated in the state of Gujarat, is all set to open the world's largest diamond market. From an Indian perspective, the current market size for diamonds is about $6.5 billion. Surat is the most important part as concerned with diamonds in the complete world. World diamond trade was dominated by Jewish diamond dealers in Belgium. However, 65% of the community was killed in the dreadful Holocaust. Surat is known as the world's diamond capital. 9 out of 10 rough diamonds mined worldwide are cut in Surat. सूरत, यहाँ की तंग गलियों में हीरों की चमक हर तरफ नजर आती है, क्योंकि दुनिया के 90% पॉलिश डायमंड्स इसी शहर में ही तो तैयार किए जाते हैं। मेरे को ये कम से कम 40 साल होने को आया है काम में, हीरे के काम में, और अभी भी मैं यही कर रहा हूँ। माना जाता है कि ताप्ती नदी के किनारे बसे शहर में डायमंड कटिंग का कारोबार 1938 में शुरू हुआ एक छोटी सी फैक्ट्री में सिर्फ 65 कारीगरों के साथ। लेकिन असली रफ्तार इसने 1960 के दशक में पकड़ी, जब गुजरात की पटेल कम्युनिटी ने रफ डायमंड्स को इंपोर्ट किया और पॉलिश डायमंड्स को एक्सपोर्ट। दोस्तों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या आप एक डायमंड विशेषज्ञ हो या किसी ज्वेलरी ट्रेड से जुड़े हो। आज पूरे वर्ल्ड में यदि डायमंड से जुड़ी कोई कॉन्वर्सेशन होती है और इसमें सूरत का नाम ना आए, शायद ही नामुमकिन है। इंडिया के वेस्टर्न कॉर्नर में बसा ये वो शहर है जहाँ आज वर्ल्ड के 90% डायमंड्स एक नई जिंदगी पाते हैं। लगभग पिछले 100 सालों से चले आ रहे इस ट्रेड ने आज सूरत को ग्लोबल डायमंड इंडस्ट्री के नर्व सेंटर्स में से एक बनाया है, जहाँ हर साल $24 बिलियन से ज्यादा का डायमंड ट्रेड होता है। ये आज उस शहर के नाम से जाना जाता है जहां रफ स्टोन्स को ट्रांसफॉर्म कर ब्रिलियंट पॉलिश डायमंड्स का रूप दिया जाता है। आज सूरत की मदद से इंडिया वर्ल्ड के 90% डायमंड्स अकेले एक्सपोर्ट करता है, जिसमें 99% डायमंड्स सूरत में ही प्रिपेयर किए जाते हैं। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यदि डायमंड माइनिंग की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड के टॉप 10 प्रोड्यूसर्स में भी नहीं आता। फिर सवाल यह है कि वर्ल्ड के 90% डायमंड्स इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट होते हैं। इसके अलावा डायमंड